मैं मौर्य, एमएससी पोर्ट्स एंड फिजिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटो ऑप्टिक इफेक्ट, जिसे फैराडे इफेक्ट भी कहा गया है और बाद में इसे कर इफेक्ट भी कहा गया है। इसका एपरेटस अरेंजमेंट इस प्रकार है कि सोडियम लैंप, पोलराइजर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, देन एनालाइजर, और यह है कॉन्स्टेंट करंट पावर सप्लाई। और इसमें लगेगा हमें वर्नियर कैलिपर्स, एक होलो ग्लास क्यूब और ग्लास क्यूब विद सब्सटेंस। अब हम इसकी थ्योरी समझते हैं। जब लाइट मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपोगेट करती है और वो एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से होकर गुजरती है, तो वो अपने वाइब्रेशनल प्लेन से कुछ एंगल से डाइवर्ट हो जाती है। यही एंगल को हम क्यू से डिनोट करते हैं। यह जो क्यू है, ये प्रोपोर्शनल होता है सब्सटेंस ऑफ लेंथ के, जिसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्यू प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, जिसे ही हम वर्डेड कांस्टेंट कहते हैं। वर्डेड कांस्टेंट को वी से डिनोट करते हैं, और हमें हमारे प्रैक्टिकल में वर्डेड कांस्टेंट की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मेन पावर स्विच ऑन करेंगे। यह है कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई, जिसमें हम 2.36 में इसको सेट करते हैं। यह सोडियम लैंप, सोडियम लैंप स्टार्ट कर दिया है। इस कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई से इस मैग्नेट में करंट जब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब हम एनालाइजर के थ्रू जाके देखेंगे कि हमें स्लिट कैसी मिल रही है। स्लिट काफ़ी इंटेंस होनी चाहिए। यह हमारी स्लिट जो कि काफ़ी थिन और इंटेंस दिख रही है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होलो ग्लास क्यूब को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देन उसके बाद सोडियम लैंप से आती हुई वेव लाइट को हम एनालाइजर के थ्रू देखेंगे। स्लिट सबसे पहले हाईली इंटेंस देखना है। आइए देखते हैं। ये हाई इंटेंस स्लिट दिख रही है हमें। अब हम इसके बाद लो इंटेंसिटी की स्लिट देखेंगे, और हाई इंटेंसिटी की स्लिट का जो वैल्यू है उसमें से लो इंटेंसिटी की स्लिट की वैल्यू को माइनस करेंगे, जिससे हमें एंगल ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम हाई इंटेंसिटी पे इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। ये वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 56 दिख रही है। इसके बाद हम लो इंटेंसिटी की स्लिट देखेंगे, जो कि काफ़ी कम इंटेंस दिख रही है, काफ़ी हल्की सी दिख रही है। अब हम लो इंटेंसिटी की रीडिंग लेंगे, जो कि 166 पर दिख रही है। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल के थ्रू आगे समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन पोल पीसेस ले लेंगे। तो हमने वर्नियर कैलिपर से पहले ही नाप लिया था, ये 3.5 सेंटीमीटर था। करंट इन वन डायरेक्शन में 2.12 हमने सेट किया था। अब रोटेशन के लिए, जो हमने हाई इंटेंसिटी के लिए रोटेशन एंगल लिया था, उसमें से लो इंटेंसिटी के लिए रोटेशन एंगल को माइनस कर देंगे, जिससे हमें रोटेशन Q1 मिल जाएगा। अब हम करंट को अदर डायरेक्शन में कैसे करते हैं ये देखते हैं। माइनस को प्लस में लगा दीजिए, प्लस को माइनस में। करंट इन अदर डायरेक्शन के लिए सेम वही प्रोसेस की जाएगी। रोटेशन Q2 निकाल लेंगे इसके थ्रू। सेकेंड रीडिंग के लिए हम रोटेट करेंगे इसे, और इसकी पोल पीसेस के बीच की डिस्टेंस को कम करेंगे। सेकेंड रीडिंग इस प्रकार है। डिस्टेंस हम लिख लेंगे, करंट इन वन डायरेक्शन लिखेंगे, देन सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहली बार में किया था। Q1 और Q2 को एवरेज लेकर Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर Q मिनिमम निकालेंगे। मतलब कि इन दोनों वैल्यू में से भी जो मिनिमम होगा उसे Q मिनिमम कहेंगे। अब यही सेम प्रोसेस हम सब्सटेंस के लिए करेंगे। ये सब्सटेंस हमने वाटर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने 0.35 × 10⁴ गॉस, और लेंथ ऑफ सब्सटेंस जो कि इस बॉक्स लेंथ ऑफ सब्सटेंस है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। दिस इज द फॉर्मूला, V = Q/HL। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें वर्डेड कॉन्स्टेंट फॉर वाटर मिल रहा है 14.08 × 10⁴ मिनट पर सेंटीमीटर क्रॉस गॉस। सेम प्रोसेस V2 के लिए करेंगे, और ये V2 के लिए वर्डेड कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे। जब इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हमें फाइनल वर्डेड कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 13.9 × 10⁴ मिनट पर सेंटीमीटर क्रॉस गॉस मिली है। वर्डेड कॉन्स्टेंट फॉर वाटर के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 13.06 × 10⁴।
इस प्रकार हम इसमें परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर हमें मिल रही है 6.43% की। इस प्रैक्टिकल की प्रिकॉशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो अरेंजमेंट है सोडियम लैम्प, पोलराइजर, एनालाइजर और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये 180 डिग्री एंगल में होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। सेकेंडली ग्लास क्यूब जो हम ले रहे हैं वो साफ होने चाहिए और प्रैक्टिकल तभी स्टार्ट करें जबकि सोडियम लैम्प हाईली इंटेंस हो। यहाँ हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।